हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रचना पाठक और आज की इस वीडियो में ना मैं आपके साथ बहुत ही अजीब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, मतलब बहुत ही खतरनाक और डरावनी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ना कुछ हॉन्टेड नंबर पे कॉल करने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बेसिकली आप जब गूगल करते हो ना तो आपको बहुत ही खतरनाक और डरावने नंबर मिलेंगे जिस पे आपको कॉल कभी नहीं करना चाहिए, बट मैं करूँगी क्योंकि मुझे भूतों से बात करने का बहुत शौक चढ़ा है। यार सच बताऊँ ना तो मैंने ये सब कभी नहीं ट्राई किया है आज तक, नहीं मैं फर्स्ट टाइम ये सब ट्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है। तो गाइस फर्स्ट जो हमारा नंबर है ना वो है 999999999। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। ये नंबर ना थाईलैंड का है और ऐसा वहाँ पर माना जाता है या था, आई डोंट नो, कि जब भी आप इस नंबर पे कॉल करते हो ना तो कोई भूत या शैतान कॉल को रिसीव करता है और वो आपकी कोई भी विश पूरी करने के लिए रेडी हो जाता है। लाइक आप कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी, वो भूत आपकी विश तो पूरी कर देगा बट उसके बदले में आपसे उसे कुछ चाहिए। अब हम इंसानों से भूत वूत क्या ले ही सकता है, आपकी आत्मा चाहिए उसे। सो लेट्स सी, देखते हैं इस पर कॉल करके क्या सच में ये मेरी जान लेता है या नहीं। यार वैसे ही मुझे भूतों भूतों से बहुत डर लगता है, आई डोंट नो ये होते हैं या नहीं। तो ये नंबर है 9999999999। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। You are not dialing a valid number. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा फिर से एक बार करते हैं। Not dialing a valid number. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। You are not dialing a valid number. Please check the number you have dialed. मैं तो चाहती ही थी कि नहीं लगे, नहीं लगे, बच गई, मेरी जान नहीं गई यार। तो यार अभी मैं वीडियो बना रही हूँ और पीछे से आप सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को डॉग की आवाज़ें आ रही, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तो नेक्स्ट नंबर जो है हमारा वो है 1000000 एंड देन 0। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो ना तो अगर कोई रिसीव कर लेता है तो उस कॉल के पीछे से एक आवाज़ आएगी कि इस नंबर से आपको 15 लोगों को कॉल करना है। अगर आप कॉल नहीं करते हो 15 लोगों को तो 1 वीक के अंदर ही अंदर आपकी डेथ हो सकती है, विद इन अ वीक। तो मैं अभी इस नंबर पे कॉल करने वाली हूँ, तो मैं कॉल लगा रही हूँ यार। 1000000 The number you have dialed is invalid. Please check the number you have dialed. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर पागल हो गया। डायल किए गए नंबर की जांच कर ले। वैसे मैं डरी हुई हूँ, पागल जैसे मत करो यार। क्या यार वीडियो प्लीज बनाने दो तुम। थैंक गॉड यार नहीं लगा कॉल, और एक ही पागल मेरी दी है कागज का टुकड़ा फेंक रही है, कॉल नहीं लगा, बच गई मैं। अगर वीडियो आती रहे तो समझ जाना रचना जिंदा है, अगर वीडियो आना बंद हो जाए तो समझ जाना रचना, समझ रहे हो ना यार। सो गाइस अभी तक तो मैं सेफ हूँ, अभी तक तो एक भी नंबर नहीं लगा है, भगवान करे आगे भी ना लगे, आगे का नहीं पता। सो नेक्स्ट नंबर लगाते हैं फोन नेक्स्ट नंबर पे। तो गाइस नेक्स्ट जो नंबर है वो ये है 4086342806 एंड ये ना एक रेड रूम नंबर है। रेड रूम का मतलब मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। रेड रूम में मतलब क्या होता है, लोगों को वहाँ पे ले जाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही बेरहमी तरीके से। यार मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, वैसे ही मेरा बुरा हाल हो रहा है।
इस नंबर पे कॉल करने से ना आपकी लोकेशन, आपका एड्रेस सब कुछ ट्रैक कर लिया जाता है। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो तो, और उसके बाद मतलब कुछ टाइम के बाद 1 वीक के अंदर अंदर आप किडनैप हो सकते हो, ऐसा इसमें लिखा है, इस नंबर के नीचे ऐसा लिखा था। तो मैं देखती हूँ कॉल करके, और फिर क्या होगा, फिर उसी रेड रूम में ले जाकर आपको टॉर्चर किया जाएगा बहुत ही बेरहमी तरीके से, मतलब मेरे साथ, क्योंकि मैं अभी कॉल करने वाली हूँ। तो चलिए कॉल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। मैं कॉल लगाती हूँ, ठीक है ना। नंबर है 408, तो रिंग हो रहा है। 3-4 बार मैंने किया था, उस टाइम नहीं लग रहा था, अभी मैंने किया तो रिंग हो रहा है। देखते कोई रिसीव करता है या नहीं। फिर से मैं लगाती हूँ। यार पता नहीं कैसे रिंग हो गया यार। सच में कॉल किसी ने रिसीव कर लिया था। मैंने 3-4 बार ऐसे ही किया था तो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था, मतलब एकदम से कट हो जा रहा था। तो मुझे लगा क्या मतलब कॉल लगेगा ही नहीं, तो मैंने फिर से किया, आपके सामने मैंने किया और फिर रिंग हो गया, और किसी ने रिसीव भी किया। एक बार रिंग हुआ तो मैंने कट कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने कॉल कट कर दिया था। और फिर से मैंने किया था तो फिर किसी ने रिसीव किया था, और तो मतलब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, तो सांस लेने की इस टाइप की आवाज़ें आ रही थी, मैं नहीं सुन सकती थी। और अजीब मन कर रहा है मेरा, 1 घंटे बाद में वीडियो बनाने आए, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैंने पहले 2-3 नंबर लगाया था, नहीं लगा था कॉल, और किसी, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, किसी का कॉल वॉल नहीं लगता, मतलब मुझे लगता था ऐसे ही बस मजाक में, लेकिन सच में यार कॉल लग जाता। आप प्लीज़ ट्राई भी मत करना, प्लीज़ मत करना ट्राई, बहुत डर लगता है। पता नहीं यार कैसे, क्या कॉल लग गया, सांस की अजीब आवाज़ आ रही थी यार, बहुत अजीब आवाज़ था, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक नंबर मैंने और नोट किया था, बट अब सच में बताऊँ तो मुझे कॉल करने का हिम्मत नहीं हो रहा है, सच में यार अब कॉल करने का मेरा मन भी नहीं कर रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था यार कॉल वॉल लग गया, फालतू में लो जाओ क्या। और वो फ़ोन मेरी दी का था, वो तो मुझे मारी थी कि अब फ़ोन वोन आया किरने फिरने, मैं हो गई हूँ मैं माता। और मुझे बड़ा डर लग रहा, भगवान मैंने कहा यार मुझे वैसे भूत ऊत से ना मैं कुछ ज़्यादा ही डरती हूँ यार। एक नंबर मेरे पास और है जिस पे मैं अभी कॉल करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं उस पे एक बार कॉल करके। यार सच में बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अब कॉल वॉल लगाने का, ये लास्ट नंबर है। सो ये नंबर है 2020 2020, मतलब 4 इसमें 2020 है, और मैं अभी इस पर कॉल लगाने वाली हूँ। इसके नीचे मैं ऐसा लिखा हुआ था कि अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो तो कोई फीमेल रिसीव करती है, और उधर से एक ही चीज़, मतलब बार बार आवाज़ें आती है उधर से एक ही चीज़ की, कि सूजी डूब रही है, सूजी मर रही है, बचाओ बचाओ, सूजी डूब रही है, मर रही है, मतलब उसे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, ऐसी आवाज़ें आती है उधर से अगर आप कॉल करते हो तो। कॉल लगा रही हूँ यार हिम्मत करके। उस बार की तरह इस बार भी कट हो जा रहा है। नंबर इज नॉट वैलिड, प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर जांच कर।
फिर से देखते हैं। प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर वैध नहीं है, कृपया नंबर चेक करें। थैंक गॉड यार कॉल लगा ही नहीं। अगर गलती से भी इस बार लग जाता ना और कोई रिसीव कर लेता, गलती से भी, सूजी का तो नहीं पता बट आपकी रचना नहीं रहती सच में यार, हार्ट अटैक आ जाता इस बार तो। सो गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो और ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रही हूँ और अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि एक कॉल किसी ने रिसीव कर लिया था उस हॉन्टेड नंबर से। बहुत अजीब फील हो रहा है और अभी मैं सोने जाऊंगी, पता नहीं पूरी रात मेरी नींद में मेरे सपने भी यही सब होने वाला है, सूजी ये सब सब कुछ। यही था मेरा आज का वीडियो, लाइक कर देना यार, आप लोग के लिए इतना सब कुछ मैंने किया।